स्क्वायर रूट ऑफ 2304 बाय डिवीजन मेथड। बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों। अन्य खूब सारे स्क्वायर रूट के वीडियो आए हुए हैं, उन्हें आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ये आपका 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, करना क्या है, सिंपल है दोस्तों। इसमें हम डिवीजन मेथड को 3 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, यानी इसको 3 स्टेप में अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करते हैं, 1, 2, 1, 2, इस तरीके के 2 डिजिट को साथ लेते हुए अंदर की ओर जाते हुए हम ग्रुप बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अंदर जो आपका ग्रुप आ गया कितना, 23। इसके आधार पे हम एक संख्या को सिलेक्ट करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो आपका लेस देन 23 या इक्वल टू 23 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 किया कितना आ रहा है, 16, जो लेस देन 23 है, यानी 4 गुना 4 किया 16 आ रहा है, जो आपका 23 से छोटा है। ठीक है, अब देखिए हम इससे एक बड़ी संख्या लेकर चेक करते हैं उसका क्या रिजल्ट रहता है, 5 गुना 5 25 आ गया। ये देखिए आपका 23 से बड़ा आ गया, तो हमें यह नहीं लेना, इससे पहले वाला लेना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखिए, इसको हम ऐसे अरेंज कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे, इसको एक बार यहाँ लिखेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में देखिए ध्यान से, इसको माइनस कर दिया तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 7, और आगे का ग्रुप यहाँ आ गया। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 4 प्लस 4 कितना आ गया, 8। आप इस 8 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, मल्टीप्लाई करें कि इक्वल टू 704 या लेस देन 704 हमें प्राप्त होना चाहिए वैल्यू। तो देखिए डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके साथ यदि मैं 8 लूँगा, 8 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 × 8 = 64, 6 के लिए चलेगा 8 × 8 = 64, 6 आपका कितना 17 आ गया। किसको लिया दोस्तों, हमने 8 को माइनस किया, 0 आ गया। आगे हमारे पास कोई भी ग्रुप नहीं है, इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे अनरूट 2304 का वैल्यू कितना निकला, 48 निकल कर आया है। तो इस तरीके से हम अपना डिवीजन मेथड के द्वारा 2304 का स्क्वायर रूट प्राप्त किया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर, आने वाली वीडियो फिर मिलते हैं।